रिकवर हो जाती है, नुकसान नहीं होता। बेबी विच हो भी जाता, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे ने कि जेडे तुसी कहंदे यार की हूँ मैं ये पिछे ही लगा रहा, मैं ज़्यादा अगर होएगा वो बहुत अच्छा थोड़ा बिजनेस रहेगा। फिर मतलब 40% आ जाती कोई भी थोड़ी आइटम है, इंस्टॉलमेंट देंदे हो यदा ज़्यादातर जहेज का सिस्टम रखिया वे ठीक है। वो तो करने वाले डिपेंड करता है कि मतलब तुम पहले क्या कि इन्वेस्टमेंट को कितनी है ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आम आवाम को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं आम आवाम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो नया बिज़नेस आइडिया शेयर करेंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ये किस तरह सेल किया जाता है, अगर इसको हम कैश पे करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट है कि नुकसान है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है कि नुकसान है, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करते हैं और अंकल से पूछते हैं कि उन्होंने ये कारोबार कैसे शुरू किया, कितनी मेहनत दरकार होती है और उनका 32 साल का तजर्बा है इस कारोबार में और इसके साथ मुख्तलिफ काम उन्होंने किया है उसका भी तजर्बा है, वो भी सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए मफी साबित हो। तो चलते हैं अंकल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल जी की हाल है, ठीक हो? हाँ बहुत शुक्र अल्लाह का जनाब। अंकल जी माशाल्लाह कितनी देर से काम कर रहे पे हो ए वाला इलेक्ट्रीशियन? तो मैं कम कर दिया तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए ने मेरा, लेकिन बिजनेस मेरा कोई 30-32 साल का तजर्बा है ना, मतलब मुख्तलिफ कारोबार किए ने, मतलब कपड़े की शॉप की है, गड्डिया का काम किया वे, उस अलावा बाद मतलब ए वाला काम मैं शुरू किया वे। तो ठीक हो अंकल जी, अगर तुम्हें आइडिया किने दिता इस कारोबार शुरू करन दा? यार ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ही जार में बिजनेस करना काफ़ी अरसे तू, तो मतलब मेरा जेन थी कि मतलब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है ना कि सारे लोगों के मिसाइल ने लोगों को पैसे की कमी दिन पर दिन आ रही है ना, निचला तकबा थले थले आसा सा जा रहा है, तो इस वास्ते इस काम को ये बेहतर नहीं है समझा कि यह काम बेहतर रहेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट लोगों को लैनी थोड़ी आसान रहती है ना, कट्ठे पैसे उन्होंने उन्हें होंगे नहीं, तो इस वास्ते कि मतलब इंस्टॉलमेंट का काम तुम पाकिस्तान काफ़ी देख लो बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो वो सोच रख के मैं मतलब इस कारोबार को शुरू किया कि मतलब ये काम मेरे आसे ठीक रहेगा। सर एक कारोबार बंदा कितने पैसे शुरू कर सकता है आसानी? ये देखो ये मतलब थोड़े को अपनी इन्वेस्टमेंट का हिसाब देना तो करना है, तुसी मतलब कमो पे 10 लाख थले नहीं कर सकते ना, क्योंकि ज़ाहिर है 10 लाख रुपया होएगा तो कुछ होना चाहिए, तो इंस्टॉलमेंट ज़ाहिर काम शुरू कर दे कैश इंस्टॉलमेंट भी है ना, तो इंस्टॉलमेंट तो थानू अगर थोड़ी एक चीज़ 50,000 रुपये चीज़ बाहर चली जानी तो मतलब उन्हें 1 साल बाद रिकवरी मिलनी वो तो देना भी तो नहीं मिलनी, लेकिन थानू तो चीज़ 50,000 फिर दोबारा चाहिए दुकान से रखने वास्ते, तो इस वास्ते कि मतलब ये ऐसे कमो पेश भी जो ना कमो पेश 10 लाख रुपया होना चाहिए, ज़्यादा अगर होएगा वो बहुत अच्छा थोड़ा बिजनेस रहेगा। फिर सर अगर ये कस्टमर पेमेंट नहीं दिता या कस्टमर आकर जाता तो हाल होंगे? देखो मतलब कोई भी कारोबार दुनिया का ना वो ऊंच नीच लाजमी होंगे, फायदा नुकसान हर बिजनेस होंगे, इंसान लोग मर भी तो जाते ना वो भी तो सबर करते हो, सिलसिला है कि अगर थोड़ा कस्टमर नहीं दिता ये थोड़े डिपेंड करता कि तुम उसका की रवैया रखते, थोड़े को नॉलेज होना चाहिए कि तुम एक कस्टमर को चीज़ देने गए हो आया थोड़े ना वो ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता, इस चीज़ को तुहां फॉलो करना है कि मतलब उन्हें काफ़ी हद तक तुम मुतमिन रहो कि बंदा पैसे देगा, अनकेस किसी वक्त तुम्हें पैसे नहीं देता तो थोड़ा तरद्दत भी करना पैंदा है, थोड़ी कानूनी कार्रवाई भी करनी पैंदी है, तो वो मतलब फिर आके आके थोड़ा डर खौफ के नाल मतलब वो पेमेंट थोड़ी मेहनत दरकार होंगी है, वो फिर तुम पेमेंट मतलब गाहे बगाहे पे मिलेगी। रिकवर हो जाती है, नुकसान नहीं होता? बेबी विच हो भी जाता, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे ने कि जेडे तुम कहते यार की हूँ मैं ये पिछे ही लगा रहा, मैं मतलब मेरा मतलब एक मैं कस्टमर को 20,000 रुपया लेना है वो मगर ही मैं चक्कर लाता रहा तो मेरा अपना काफ़ी नुकसान होएगा, मे बी विच होंगे कोई शाजर नादर, लेकिन वो डिपेंड थोड़े तो करता है, तुम उन्हें माफ़ कर दोगे अगर तुम ढिल देहड़ दे फिर जो ठीक है ढिल तुम उस सूरत होगी तुम कहो कि जो कोई गल ठीक मेरा चल रहा है, लेकिन पैसे अगर चाहे मालक तो लेना चाहे तो वो ले सकता है। सर अगर कस्टमर तक असं किस तरह पहुँच सकते हैं, अगर चाहते हैं कि ज़्यादा कस्टमर साढ़े को आने तो किस तरह से ले सकते हैं? थोड़ी एडवरटाइज होनी चाहिए, मतलब थोड़ा डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा अखलाक अच्छा होना चाहिए, वे गाहक मतलब ऊंच नीच हो जाती, अगर तुम गाहक अच्छे तरीके पेश आते हो तो
एडवरटाइज थोड़ी उफ ही करेगा यार, उन्होंने को जाओ बहुत अच्छे आदमी ने, चीज़ भी मुनासिब देंगे ने, तो मतलब पैसों से भी इन्ना नहीं तंग नहीं करते ना, उनका रवैया अच्छा, तो गाहक इस चीज़ में फिर बड़ा अच्छा महसूस करता है, वो फिर थोड़े को आता है, फिर थोड़ी ऐसा गाहकी वही। फिर अगर जो दुकानदार ने सेलमैन रखे हुए, अगर सेलमैन रखना हो तो की क्राइटेरिया कि किस तरह रखा जाए, उन्होंने की टारगेट दिता जाए, किस तरह होंगे काम? सेलमैन थोड़े अपने बिजनेस रखे जाता है ना, मतलब अगर थोड़ा बिजनेस ज़्यादा वसी है, थोड़ा कारोबार ज़्यादा वसी है, तो महसूस होगा कि यार मैंने सेलमैन, माशाल्लाह मेरे ना अपने दो बेटे मेरे नाल होंगे ना, ठीक है जी, मैं सेलमैन की जरूरत नहीं, वो फिर मतलब सेलमैन की तुम्हें इस सूरत जरूरत पैंती है कि ज़्यादा थोड़ा काम वसी है, तो हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की है ना, मतलब 1 करोड़ रुपया वे 2 करोड़, 1.5, वो फिर तुम कल तो नहीं कर सकते, वो तुम सेलमैन रखने पैंते हैं, वो फिर बाहर भी जाते हैं, मतलब उन्होंने फिर मतलब रिकवरी उन्हें करनी होंगी, वो थोड़ी मतलब कारोबार डिपेंड करता है कि तुम्हें सेलमैन किन्ने चाहिए, तो किस तरीके का सेलमैन चाहिए, मिल जाता। सर इस कारोबार प्रॉफिट की की एवरेज है, प्रॉफिट किन्ने के निकल आता वे? ये जो देखो जी, अगर तुम कैश चीज़ गाहक लेंदा है ना, उस मतलब बहुत घट हों, ठीक है, वो तो 10% मिलता, 15% मिलता वे, मे बी 20% मिल जाता वे, अगर तुम इंस्टॉलमेंट पर काम करते हो तो वो मतलब 40% मिलता है, ठीक है, वो ये चीज़ है कि अगर 40% लै रहे हो, तुम 1 साल सबर भी करना है, थोड़ी चीज़ मतलब 50,000 रुपये की है ना, कैश थोड़ी 40,000 रुपये की है, तो इंस्टॉलमेंट तो 50,000 की है, अगर तुम 10-12,000 रुपये मिले, लेकिन वो चाहे 1 साल थोड़ी कस्टमर हो जाए ना, वो थोड़ी रकम भी तो यूज़ करेगा ना, तो पेमेंट साल बाद वापस आनी, तो ये चक्कर होंगे कि इंस्टॉलमेंट तो ज़्यादा, फिर इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट ज़्यादा मिलती। अगर कोई नवा शुरू करना चाहता तो उन्होंने की मशवरा देंगे हो कि बेचारेगा? देखो कोई भी कारोबार है ना, तुम जो नवा बंद शुरू कर दिया तो अल्लाह तवक्के होंगे, ठीक है, ये वसीत कोई भी नहीं गया हों, अगू थोड़ी अपनी मेहनत लगन है, नवा आदमी भी शुरू कर दिया कोई गल नहीं, ठीक है, मतलब उन थोड़ी मेहनत करनी पेगी, लगन ना चलना पेगा, टाइम टेबल ना दुकानदारी करनी पेगी, खुराक अच्छा करना पेगा, गाहक अच्छे देखना फॉलो करना पेगा, अगर वो तरीकेकार अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला वो कामयाब रहेगा। अगर नवा दुकानदार काम शुरू कर दावे तो केड़ी केड़ी प्रोडक्ट पहले ले आकर रखे, केड़ी चीज़ ज़्यादा सेल होएगी उदी? देखो जी मैं मतलब ये मैं हाँ शाप बनाई ना, असी मतलब लोहे का ज़्यादातर जहेज का सिस्टम रखिया वे, ठीक है, वो तो करने वाले डिपेंड करता है ना कि मतलब तुम पहले क्या कि इन्वेस्टमेंट को किन्नी है, ठीक है, वो मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ा आ जाए ना, तो जिन दुकानदारी एक ऐसी चीज़ जिन्ना तुम रख लो उन्ना थोड़ा पूरी नहीं होंगी, ठीक है, मैक्सिमम वो कोई इन्ना को वसी होना चाहिए कि चलो मतलब 2-4 चीज़ा मेरिया विक जाए, मेरे को 2-4 मेरिया स्टोर च पई हो, ठीक है, आइटम तो जिन्नी रखेगा अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा, जहेज जो चीज़ा टच कर दी जो लोगों की आम इस्तेमाल चीज़ा आदि वो रख लो तुम, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल वगैरह या इस तरह की चीज़ा रखते हैं, पंखे वगैरह जो मतलब ज़्यादा सस्तिया ने, लेकिन प्रॉफिट उन्होंने की है? मोबाइल मतलब बहुत ज़्यादा, हालांकि साढ़े को इंस्टॉलमेंट असी मोबाइल नहीं रखते ना, मोबाइल तरद बहुत ज़्यादा बच्चे ले लेंगे ने, यंग जनरेशन ने बच्चे ने बच्चिया ने लेंगे ने, उन्हें को बिजनेस होंगे को नहीं घर उन्हें सारी अपनी जेब पाकट चुना सारा कुछ चलाना होंगे, मोबाइल नहीं रखते ना असं, मैं इस चीज़ पसंद नहीं करते, लेकिन कंपनियां कर दी ने इंस्टॉलमेंट वाले करते हैं मोबाइल उन्होंने को है ने, तो परसेंटेज उसे दसिया नहीं कि मतलब 40% आ जाती कोई भी थोड़ी आइटम है, इंस्टॉलमेंट देंगे हो कैश तुम दे रहे हो अपना 40,000 रुपये की, इंस्टॉलमेंट जो थोड़ी 52-53,000 रुपये की बन जाएगी, कोई भी आइटम होएगी इंस्टॉलमेंट 40% लग जाती है। ठीक है सर, तुम इन्होंने अखताम से मैसेज की देना चाहते हो देखने वाले? असि मैसेज अस ये देना चाहते हैं कि अगर मतलब जो कोई भी नवा अपना कस्टमर ये कारोबार शुरू करता है ना, वो मतलब किसी ने देख के कदम नहीं करना चाहिए, असं आने कोशिश ये करनी चाहिए नवे करने वाले, वो मेहनत के नाल करे तो लगन के नाल करे तो नीयत के नाल करेगा ना, इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा, अगर इंटरव्यू पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना।